Assalamu alaikum class 8, this is our lecture 38 and today you will start a new work, that's an essay. The name of the essay is My Ambition. It's very interesting essay, that's why we have selected this. First of all, a question comes in our mind, what the ambition is. But सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ambition है क्या. फिर हम सारा इसका डिस्कस करेंगे, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी लाइफ में और पूरी हमारी जो स्ट्रगल है उसमें. अगर हम इसकी डेफिनेशन आप देखें, पेज के ऊपर लिखी हुई है डेफिनेशन इसकी, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू और अचीव समथिंग, किसी भी चीज़ को हासिल करने की एक शदीद ख्वाहिश. ठीक है, तो माई एम्बिशन मेरी ख्वाहिश. मेरी ख्वाहिश क्या है, यानी मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरा मकसद हयात क्या है, क्या मैं हासिल करना चाहता हूँ. ये आपका गोल ऑफ लाइफ भी इसको आप कह सकते हो कि मेरी ज़िंदगी का गोल क्या है. वी विल डू दिस एसे इन फोर पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग एंड इट विल एंड्स एट द हु मेक्स देम सो. This is the part for the day. Listen carefully. I have noted down the meanings, Urdu meanings, and also the synonyms or the alternate of the word if you have any confusion. But focus on the reading and understanding first and then try to learn it. An ambition is the greatest motivating force. मोटिवेट क्या करना होता है, आपको मुतहरिक करना, आपको रागिब करना. तो एम्बिशन एक ऐसी ग्रेट फोर्स है जो डिटर्मिन्स द कोर्स ऑफ वंस लाइफ. डिटर्मिन्स होता है मुतय्यन करना, डिसाइड करना. अगर आपको डिटर्मिन्स भूल जाता है तो आप डिसाइड कर सकते हो, दैट डिसाइड्स द कोर्स ऑफ वंस लाइफ. कोर्स अब यहाँ पे क्या है, ये रास्ते के लिए, द वे ऑफ वंस लाइफ, द कोर्स ऑफ वन लाइफ. ये एम या मकसद के मीनिंग में आ रहा है यहाँ पे. आपका ये कोर्स आपका सिलेबस या आपका कोर्स नहीं है जो बुक्स का कोर्स होता है. लाइफ विदाउट एन एम्बिशन इज लाइक अ डेजर्ट. एक एम्बिशन के बगैर, किसी मकसद के बगैर जिंदगी एक सहरा की तरह है, वेयर नो फ्लावर ब्लूम्स, जहाँ पर कोई भी फूल नहीं खिलता. एम्बिशन इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल. जो मकसद है ज़िंदगी का या मकसद हयात या कुछ कर लेने की ख्वाहिश, यही सबसे बड़ा फ़र्क है इंसान में और हैवान में. देखिए, वरना क्या है, हैवान भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, मिलते हैं, घर बनाते हैं, रहते हैं, सब कुछ है. मगर वो जो कुछ करते हैं वो उनकी जबिल्लत है, वो अपनी जबिल्लत के थ्रू करते हैं सब कुछ. मगर इंसान जो करता है वो उसकी स्ट्रगल होती है, और उसकी स्ट्रगल के पीछे किसका हाथ होता है, उसके एम्बिशन का हाथ होता है, उसका एक मकसद होता है, उसका एक गोल सेट होता है. जैसे आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते हैं तो किसी मकसद के तहत भेज रहे होते हैं आपको, आपकी तालीम और तरबियत दोनों को मद्देनज़र रखते हुए. उसाचा के मद्देनज़र भी यही होता है, आपकी तालीम और तरबियत दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं. अब बात यह है कि सम आर बॉर्न ग्रेट. शेक्सपियर ने कहा है, शेक्सपियर आपको पता है कि एक फेमस ड्रामाटिस्ट है, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, जिसने कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड हिस्ट्री पे बहुत से प्लेज लिखे हुए हैं. तो शेक्सपियर कौन है, एक ड्रामाटिस्ट है. सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम. कुछ पैदाइशी ग्रेट होते हैं, कुछ अपनी स्ट्रगल से, एफर्ट से ग्रेटनेस हासिल कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर जो ग्रेटनेस है वो इम्पोज की जाती है. जैसे बाजू का तो आप लोगों का मूड नहीं होता और आपको हम ज़बरदस्ती पढ़ा रहे होते हैं, आपको फोर्स करके चला रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन दैम, स्टूडेंट्स के ऊपर ग्रेटनेस को थ्रस्ट किया जा रहा होता है, ठोंसा जा रहा होता है. इन ऑर्डर टू सेट एन एम्बिशन, अब क्या है कि कैसे एम्बिशन को हमने सेट करना है. इन ऑर्डर टू सेट एन एम्बिशन एवरी वन शुड हैव अ PMC, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट. हर एक की एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी अपना जो जो आपका मकसद है वो उसको एक अपने सम अप फॉर्म में आपके पास मौजूद होना चाहिए. इट शुड नॉट बी मोर देन 2-3 लाइन्स.
दो से ज़्यादा लाइंस में या तीन लाइंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा। वैसे भी आपको मालूम है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ वेट, जो भी इख्तसार है मुख्तसरन आपको पता होना चाहिए कि ये मकासद हैं, छोड़ बट शुड क्लियरली मैंशन द मेन पर्पज़। लेकिन वो दो तीन लाइनों के में आपका जो मेन पर्पज़ है, आपका जो मकसद है, वो वाजे होना चाहिए। When the aim is set, जब मकसद सेट कर लिया जाता है, गोल सेट कर लिया जाता है, then it becomes easy to get it, तो फिर इसे हासिल करना आसान हो जाता है। Then कौन सा है? THEN, फिर। Then नहीं है, then कब आता है? जब comparison होता है दो का। यहाँ पे क्या है कि आपके then है, फिर है, तब है, इसलिए इसका E वाला then use होगा। और एक बात आपने और याद रखनी है कि इसको When the aim is set, इसको अपने सिंपल लाइन्स हैं। आप देखें, आप पढ़ने बैठे हैं, अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आपने ये सब्जेक्ट करना है, इसका ये पार्ट कर लेना है या ये क्वेश्चन लर्न कर लेना है, तो एट द एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स को ही देखते रहोगे, कभी एक खोली, कभी दूसरी खोली, कभी तीसरी खोली, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो जब तक आपने एक लाइफ में ये होता है कि छोटे गोल सेट किए जाते हैं और वो कनेक्टिविटी एक चेन होती है गोल्स की, ये किया, फिर ये किया, एट द एंड आपका फाइनल गोल आपने हासिल कर लिया। तो इसी तरह से जब तक अपना माइंड आप क्लियर नहीं रखोगे, आपने करना क्या है वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इफ़ यू आस्क एनीवन, जब भी आप किसी से पूछते हो, किसी से भी पूछो, व्हाट इज़ योर मिशन इन लाइफ, क्या आपका ज़िंदगी में क्या मकसद है, आपका क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, द मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो ज़्यादातर हमें मिलता है, जो गालिबन, जो कभी इम्कान है, वो ये है कि द आंसर यू गेट वुड बी जो जवाब आपको मिलेगा वो ये होगा, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, मिल्ट्री ऑफिसर, स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटी, एक्टर, आर्टिस्ट, एट्सेट्रा। इसी तरह के होते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनना चाहता है, खिलाड़ी बनना चाहता है, या कोई हीरो हीरोइन बनना चाह रहा होता है, सिंगर बनना चाह रहा होता है। बट इफ़ द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम मी, लेकिन अगर यही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए, आई वुड आंसर इन अ फर्म वॉइस, मैं पक्का डिटर्मिंड वे में मैं कहूँगा, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का बेहतरीन उस्ताद बनना चाहता हूँ। इंजीनियर्स बिल्ड ग्रैंड बिल्डिंग्स, इंजीनियर्स क्या करते हैं, बड़ी बड़ी अजीम शान इमारात बनाते हैं, रोड्स एंड डैम्स बनाते हैं, डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट्स, डॉक्टर्स जो हैं इलाज करते हैं बीमारों का, मिलिट्री ऑफिसर्स डिफेंड द कंट्री, जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो मुल्क की हिफाजत करते हैं, बट इट्स द टीचर हु मेक्स देम सो, लेकिन ये उस्ताद है जो उन्हें ऐसा बनाता है। यानी इन तमाम को बनाने वाला पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये तमाम एक्सपर्ट्स के पीछे किसका हाथ है, एक टीचर का। So that's why I want to be a teacher. This is the work for the day. Learn plus write each and every part of the essay with the reference quotes को बार बार लिख के आप अपनी practice किया करें, और this is the minimum part we ask you to learn. आप इसमें कुछ भी quotes भी add कर सकते हैं, आप अपना जब हम आपको करवा देंगे पूरा उसके अकॉर्डिंगली, ये ना हो कि वो इररेलेवेंट हो, लेकिन ये है कि आप इससे जो रिलेट कर रहे होंगे वो कोड्स आप सर्च कर लीजिएगा, बाद में हमें आप दिखा के उसमें ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बहुत अच्छा कोई गाइड भी कर रहा है या हमें आप गाइडेंस ले सकते हैं तो आप इसको लर्न करके, लेकिन एक बात है कि आपने जो भी याद करना है इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें जो दो तीन वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग्स की यूजुअली मिस्टेक्स होती हैं, उसमें मिलिट्री का, इंजीनियर का और पेशेंट्स के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, डिफरेंस के और सब डिटर्मिनेंट्स के, और इवन जो आपका वर्ड है ये जो सेलिब्रिटी, इनके ये जो वर्ड्स हैं इनके स्पेलिंग्स अच्छी तरह से आपने याद कर लेने। This is the lecture for the day and this is the homework for the day.